तो गाइस हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो कुछ प्लांट वीडियो नहीं है। जस्ट रैंडमली हम यहाँ देखेंगे प्लांट में किस प्लांट को हमारी ज़रूरत है गार्डन में और क्या करने की ज़रूरत है, हम वो करेंगे। मॉर्निंग का ये जो टाइम रहता है ये मेरा बेस्ट टाइम रहता है गार्डन का। सो नेक्स्ट है मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, चलते हैं। यहाँ मॉन्स्टेरा जो है मॉस्टिक से थोड़ा सा अलग कोई ग्रो कर रहा है, तो उसको सपोर्ट देना है प्रॉपर, तो हम उसको फिर से एक बार टाई करेंगे प्रॉपरली। आफ्टर टेकिंग माई कॉफ़ी आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट। सो यहाँ मेरा जो एरिका पाम है इसको मुझे इंडोर शिफ्ट करना है अभी, और यहाँ मैं कुछ नया मेकओवर करने वाली हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। सो इसको अंदर शिफ्ट करते हैं। आपको बता रही हूँ कि जूट की रस्सी मेकओवर में बहुत काम आती है, ज़रूर रख लें। और ये है एक आइटम जो मैंने कैंडल होल्डर जो मैंने एक मेले से ख़रीदा है, और फाइनली मुझे इसे लगाने का एक स्पेस मिल गया है। काफ़ी टाइम से दूर रही थी तो आज मैंने यहाँ से। नहीं नहीं ये रॉड आपके लिए नहीं है, इससे मैं अभी खुदाई करने वाली हूँ, गुड़ाई के लिए भी यूज़ करती हूँ। और किसकी कर रही हूँ, ये फाइलोडेंड्रॉन, इसको निकाल के मुझे इसको प्लांट है जो मेरा गुआवा का ट्री है इसके नीचे मैं लगाने वाली हूँ। और यहाँ लगा के फिर मैं इसको इसको सपोर्ट दे के इस पर मीन्स ग्रो कराऊँगी या क्लाइंबिंग कराऊँगी इसके ऊपर। प्लांट है इसके नीचे आप देखेंगे एक बेबी प्लांट है, काफ़ी बड़ा हो गया ये भी, तो इसको एक अलग से हम पॉट में लगाएंगे आज। तो ये हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट और है। फाइनली ये मैंने इसको सेटअप कर लिया है और अब मैं कर रही हूँ आज मैं ऊपर आसमान नीचे। काफ़ी टाइम बाद मुझे ये कर पाई हूँ, काफ़ी टाइम से करना था मुझे एक्चुअली ये, बट फाइनली इट्स कंप्लीटेड नाउ। अभी बस जस्ट हम इसकी जो लीव्स हैं और जो भी इसकी ब्रांचेस है इसको सेटअप कर देंगे। रिपोर्ट करते में क्या हुआ, ये मेरी टेबल जो है बीच में ही मेरा साथ छोड़ने वाली है और ये छोड़ दिया इसने साथ मेरा। इसको फिर से सेटअप करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे। ये क्या हुआ, टाटा टाटा, ये तो किसी सीरियल जैसा हो रहा है मेरे साथ।
पॉट कर लिया है, मीन्स न्यू प्लांटर में इसको हमने शिफ्ट कर लिया है। एक नया प्लांट और नया पॉट बनकर रेडी है आपके सामने। नेक्स्ट जो भी हमने इनिशियली देखा था फर्न, तो अब हम इस फर्न को मसाज करेंगे और इसको थोड़ा सा इसकी कुटाई पिटाई करेंगे, थोड़ी मालिश करेंगे और इसको इससे बाहर निकालेंगे, क्योंकि काफ़ी तरीके से इसकी रूट जो इसमें होल में ड्रेनेज होल में फंस चुकी है। देखिए ये निकल चुका है और इसको अभी हम कर लेंगे रीपॉट। रिपोर्ट होने के बाद अभी हम इसका जो नेक्स्ट है ड्राइड लीव्स हैं इनको निकाल देंगे, थोड़ी सी कटाई छटाई वगैरह करेंगे ताकि प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करे आप, और इसमें पानी डालेंगे। सो नाउ फाइव इयर्स ओल्ड कैक्टस टूट चुका है, इसको फिर से रिपोर्ट कर रही हूँ मैं। गार्डन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करते रहिए ताकि आपके गार्डन और भी ज़्यादा सुंदर लगे और भी अट्रैक्टिव लगे, और हर बार जब भी कोई आपके गार्डन को देखे तो उसको कुछ नया देखे। सो क्योंकि गार्डन हमारे पास एरिया जो है एक लिमिटेड ही रहता है, हम उसी में ही कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, सिटिंग एरिया चेंज कर या कुछ भी नया जो गार्डन है वो इनकॉर्पोरेट करके, जो भी फैशन में चल रहा है उसको इनकॉर्पोरेट करके, और जो भी फैशन में प्लांट चल रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके आप अपने गार्डन पे एक नया लुक दे सकते हैं। ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जानना है, आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।